बिफोर स्टार्टिंग एक्चुअल टीचिंग आई वॉन्ट टू डिस्कस सम थिंग्स विथ यू वाई डू वी नॉट स्पीक इंग्लिश आर बिलीव हमारे कुछ समझ आए वो क्या है लेक ऑफ हो कैबलरी यानी हमारे पास उतने शब्द नहीं है यह हमारा अंडरस्टैंडिंग है सेकेंड कांट कंस्ट्रक्ट द सेंटेंसेस यू नो दैट यू कैनॉट कंस्ट्रक्ट द सेंटेंसेस बिकॉज यू डू नॉट हैव हो कैबलरी

स्पीकिंग के लिए इन सारी चीजों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है हियर इंग्लिश इज वेरी इजी टू स्पीक अब बहुत ही इजी है तो इसके लिए क्या करना चाहिए तो सबसे पहले ट्राई टू नो द वर्ड्स ऑफ रोटेड थिंग्स आपके सर्व सामान्य जीवन में जितनी भी चीजें आपको दिखती है उनके वर्ड्स इंग्लिश में मालूम होना आपको जरूरी है अगर मालूम नहीं तो उसे पता कर लो सेकेंड थिंग इज देयर यूज द वर्ड्स इन योर स्पीकिंग रेगुलरली वो जितने भी वर्ड्स रूटीन थिंग्स के जो आपके होम में बहुत सारी चीजें हैं, उसके इंग्लिश वर्ड्स आपको मालूम होने के बाद चाहे आप हिंदी में बात करो चाहे आप मराठी में बात करो चाहे आप इंग्लिश में बात करो वो वर्ड्स को जो आपको अभी, अभी अभी पता चले उनको आपके लैंग्वेज में यूज करना है इफ यू यूज द वर्ड्स इन योर स्पीकिंग इन योर लैंग्वेज देन ओनली यू विल रिमेंबर एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग अगर आपने उन वर्ड्स को यूज नहीं किया तो ऐट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो नेचुरली वर्ड्स नहीं आएंगे आपको याद करना पड़ेगा जिसके लिए आपका स्पीड रुक जाएगा आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा और आपको फिर लगेगा कि इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है तो इंग्लिश सीखने का सबसे पहला तरीका ट्राई टू नो द वर्ड्स ऑफ रूटीन थिंग्स एंड यूज देम वाइल स्पीकिंग इन मराठी हिंदी और इंग्लिश दैट इज कंपल्सर नेक्स्ट तीसरा स्टार्ट एनी वे वॉट एयर द वर्ड्स यू हैव वॉट एयर द सेंटेंसेस यू कंस्ट्रक्ट दो इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट और नॉट दैट डजेंट मैटर यू स्टार्ट एनी वे आप जहां पर हो आपका जो लेवल है आपको जितना पता है उतने ही इंग्लिश वर्ड्स के साथ आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दो एंड स्पीक एंड स्पीक एंड स्पीक सिर्फ बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बहुत सारे लोगों का यह भी सोचना है कि सर हम बोले तो किसके साथ बोले उसके लिए भी मेरे पास जवाब है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना ये सारी चीजें समझाऊंगा और आपको यह नए सीरीज के शेड्यूल के बारे में बता देता हूं ऑन आर चैनल यू विल गेट द वीडियो ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश स्किल ऑन एवरी च्यूजडे एंड फ्राइडे सप्ताह के मंगलवार और शुक्रवार यह दो दिन के लिए अपने चैनल पर स्पीकिंग इंग्लिश का स्किल डेवलप करने के लिए वीडियोस मैं अपलोड करूंगा और एवरी संडे शाम को छ बजे मेरा लाइव स्ट्रीम होगा जिसमें आप या सप्ताह में जो दो वीडियो आपने देखे हैं उससे रिलेटेड आपको कुछ डिफिकल्टीज है देन यू कैन आस्क अदर देन दैट इफ यू आर इन नीड ऑफ ऑनलाइन क्लासेस I also run some of the batches for English subject and one more thing I am going to start special grammar batch on 12th May so if you want to register your name you can आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें दोस्तों के साथ शेयर करें और आप आपके कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन दबाएं और ऑल क्लिक करें थैंक यू